नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस, जहां हम आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि किडनी की सफाई करने के लिए आप कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में। किडनी का काम आपके रक्त को साफ करने का होता है, जिससे आपका साफ रक्त आपकी बॉडी के सभी अंगों में ठीक तरह से फ्लो करे और आप स्वस्थ रहें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी किडनी भी साफ रहे, जिसके लिए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो आपकी किडनी को साफ करने में मदद करेंगे। और इनकी सबसे खास बात ये है कि कई जड़ी बूटियां तो आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगी। फिर देर किस बात की, आइए आपको बताते हैं कि आप अपनी किडनी को साफ रखने के लिए किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है और कई लोग तो इसको हमेशा अपने घर पर भी रखते हैं। कुछ लोग दूध और कच्ची हल्दी का सेवन भी करते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सेवन आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। इसके साथ ही कच्ची हल्दी का प्रयोग आपको यूरिन से जुड़ी परेशानी से भी दूर रखता है। अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन दूध के अलावा गर्म पानी के साथ भी करें तो ये आपको उतना ही फायदा देगी। चलिए अब जानते हैं दूसरी जड़ी बूटी के बारे में। दूसरी जड़ी बूटी है हरा पत्तेदार धनिया। हरा धनिया जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि ये खाने को सुंदर बनाने में भी बड़ा काम आता है। लेकिन शायद इसके फायदे आप जानते नहीं होंगे। क्या आपको पता है हरा धनिया आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपको यूरिन सही मात्रा में होता है और इससे आपकी किडनी भी डिटॉक्स होती है। इसके लिए या तो आप हरा धनिया खाने में डालकर प्रयोग करें या धनिये का पानी पिएं, लेकिन सीमित मात्रा में। आइए अब जानते हैं तीसरी जड़ी बूटी के बारे में, जो है अदरक। अदरक सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली सब्जी है, लेकिन ये किडनी के लिए किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। अदरक का सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, जिससे बॉडी में जमा टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी किडनी साफ रहती है। अदरक की चाय भी काफी फायदेमंद होती है, लेकिन जब अदरक सूख जाता है तो उससे बनता है सौंठ, और अगर आप इसकी चाय भी पिए तो ये भी आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। तो ये दोनों ही किडनी को साफ रखने के लिए जड़ी बूटी की तरह काम करती है। अगली जिस जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग आपको कई सारी परेशानियों से दूर रखता है। अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आपको न सिर्फ किडनी की बल्कि कैंसर, खून की कमी, पेट की समस्या के साथ साथ चोट के लिए मरहम की तरह भी काम करती है। तुलसी का सेवन आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है, जिससे आपके ब्लड में गंदगी जमा नहीं होती और आपकी किडनी अपना काम सही तरह से करती है। अगली जड़ी बूटी है मक्के के रेशे यानी कि कॉर्न सिल्क। मक्के के रेशे का प्रयोग आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके साथ ही जिनकी किडनी में स्टोन होता है ये उनके लिए भी फायदेमंद है। इसके लिए आप मक्के के रेशों को उबालकर उसका पानी पिए। ध्यान रहे, गर्म पानी नहीं पीना है, आप इसको गुनगुना करके पी सकते हैं। तो ये है कुछ जड़ी बूटियां जो किडनी को साफ रखने में मदद करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन्हें किडनी में समस्या है उन्हें इन सभी चीजों का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है।
कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है पेशेंट का? पूनम श्रीवास्तव। कौन है आपके? अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब सब तकलीफ तो बहुत तकलीफ थी, उसको पाई नहीं निकल पा रही थी वो 7 दिन से। अच्छा, आज वो 2 रोटी खा लेती है, सेहत में बहुत खा है, अपने आप चल के लेती है। और क्या क्या फर्क है? हर तरह सा फर्क है। लेटिन सप्ताह में 15 दिन लेटिन नहीं खाती नहीं थी, तो लेटिन कैसे जाए? आज बेहद जो है 24 घंटे में एक बार लेटिन जाती है, अपना खाना खा रही है, फल खा रही है, हर चीज़ पच रही है। 2-4 दिन के बाद में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, और कोई तकलीफ नहीं, सब आराम है, बहुत आराम। तो अभी जब आप कहाँ से आते हैं? हम फरुखाबाद से। फरुखाबाद में कहाँ से? फरुखाबाद पतरे स्टेशन। तो जब कितने महीने हुए आपको दवाई स्टार्ट करे हुए? अभी तो 1 महीना हुआ। अभी 1 महीने में? अभी 1 महीना हुआ है, वो जानते नहीं थे कि जिनको परेशानी हुई दवा जी दवा जो है वो थोड़ा सा डॉक्टर कराई, उसका हाथ पी सब मलेरिया या वो बुखार उखार थे, तो थोड़ा सा डॉक्टर उसे कराने की वजह से जो है गर्म दवाई खाने की वजह से निकल था। चलिए कोई नहीं, आप लग के फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे जिंदगी आपको ठीक है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।